ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल चमकती किस्मत में। वेद पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों हम हर रोज़ अपने चैनल पे आपको कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जिन्हें अपने जीवन में अपनाने से आपको आपके कार्यों में सफलता मिलती है। जी हाँ दोस्तों, हम हर रोज़ माँ गर्जिया देवी जी से आपके और आपके परिवार की कुशलता और सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवन यापन कर पाएंगे। दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं सावन के सोमवार में कपूर से होने वाले कुछ उपायों के बारे में जो आपकी बंद किस्मत के ताले खोल देंगे और आप पे भोलेनाथ कर देंगे धन की वर्षा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जिससे पहले हम आगे बढ़ें, हम आपसे कहना चाहेंगे यदि आप पहली बार हमारे चैनल चमकती किस्मत पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो शेयर करें, जिससे कि सभी लोग इस वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण जानकारी का पूर्ण लाभ उठा सकें। दोस्तों अब हम अपने विषय पे पुनः वापस आते हैं। धार्मिक नज़रिए से और वास्तुशास्त्र के हिसाब से कपूर एक ऐसी वस्तु है जिसके एक नहीं लेकिन अनेक लाभ होते हैं। यही वजह है कि ऐसा माना जाता है कि जिन भी घरों में नियमित रूप से कपूर जलाया जाता है या फिर कपूर की आरती की जाती है, वहाँ पे नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहर पाती है और जीवन में खुशहाली भी आती है। इसके अलावा भगवान शिव की पूजा में कपूर का प्रयोग बहुत ही फलदायी माना गया है। आइए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि सावन के इस पावन महीने में किस तरीके से कपूर के कुछ उपायों से आप शिव जी को कर सकते हैं प्रसन्न। सावन के महीने में शिव जी जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान हैं। ऐसे में सावन महीने में पड़ने वाले सभी सोमवार व्रत प्रदोष और सावन शिवरात्रि के मौके पर जब भी भगवान भोलेनाथ की आरती करें तो उसमें कपूर का इस्तेमाल जरूर करें। आरती के दौरान भगवान शिव का ध्यान करते हुए लौ में कपूर के टुकड़े डालते रहें और सुख समृद्धि की कामना करें। अब हम आपको बताने जा रहे हैं सावन में मुख्य द्वार पर कपूर के उपाय। सावन सोमवार के दिन जो भक्त अपने मुख्य द्वार पर कपूर और घी का दीपक जलाकर रखते हैं उनके घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। सावन के महीने में इस उपाय से आर्थिक स्थिति बेहतर होती है क्योंकि सावन के महीने में मुख्य द्वार से मां लक्ष्मी का आगमन भी होता है। आप शिवलिंग पर भी कपूर चढ़ा सकते हैं। जी हां, शिवलिंग पर कपूर चढ़ाने से भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं। सावन में कपूर के टुकड़े को या तो सीधे शिवलिंग पर चढ़ाएं या फिर जल में कपूर के टुकड़ों को मिलाकर भोलेनाथ का जल अभिषेक करें। फिर इस कपूर मिले जल के कुछ हिस्से को बचाकर घर में लाकर इसे अपने घर के हर हिस्से में छिड़क दें। इस उपाय से घर की आर्थिक स्थिति हमेशा अच्छी बनी रहेगी और घर में सकारात्मक ऊर्जा विराजमान होगी। आखिरी उपाय है कि पर्स में रखें कपूर का टुकड़ा। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, आप सावन माह में शिव जी को कपूर के टुकड़े यानी कपूर जरूर अर्पित करें एक टुकड़ा करके, और उसके बाद इस कपूर के टुकड़े को उठाकर अपने जेब यानी पर्स में रख लें। किंतु ध्यान रहे वो पर्स आप पीछे पैंट की जेब में ना रखें, क्या है कि वो पवित्र कपूर है, इसलिए आप उसे आगे शर्ट में या कहीं साइड में रखें लेकिन पीछे वाली जेब में ना रखें। इस उपाय से आपको धन से संबंधित समस्याओं से छुटकारा मिलेगा और आपके पर्स में हमेशा धन बना रहेगा। जी हाँ दोस्तों, सावन के महीने में कपूर से होने वाले ये उपाय बेहद कारगर हैं। शायद आप लोगों को पता नहीं होगा लेकिन ये सच है कि शिव जी को कपूर बहुत प्रिय है और कपूर के उपाय सावन में करने से खास करके वे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। आप अपनी समस्या अनुसार इसमें से कोई भी उपाय कर सकते हैं और उसके बाद आप इनका फल देखिएगा, आपको बहुत ही जल्द इनका फल भी मिलेगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय माता दी, धन्यवाद।